हम लोग जो झाड़ू मारते हैं, समाज को सफाई करके देते हैं, स्वच्छ वातावरण में जीते हैं, कोई व्यवस्था नहीं दिया है, न रहने को घर है, न राशन कार्ड है, न पीने को पानी है। हम लोग रहे रोड पर, बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक हर एक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, सरकार हर एक योजना का लाभ उन तक दे रही है। लेकिन कहीं और नहीं, कहीं मत जाइए, पटना में राजधानी जो है वहीं पर सब कुछ दावा खोखला साबित हो रहा है। हम बात करें राजधानी पटना में अखिल भारतीय डोम विकास मंच के धरने के बारे में, उनके प्रदर्शन को लेकर। आज पटना में अखिल भारतीय डोम विकास मंच ने प्रदर्शन किया अपनी कई मांगों को लेकर, कई सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और ऐसे में इन मांगों में उनकी शैक्षणिक व्यवस्था, उनके रहने के लिए आवास, राशन कार्ड, पीने के लिए साफ पानी, कई मांगें उनकी थी सरकार से। और मांग वो किससे भी कर सकते हैं, सरकार से ही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। ऐसे में वो अब सड़क पर आ जाएंगे। आज धरना देते हुए उन लोगों ने कहा है कि सबसे पहले उनके रहने के लिए एक आवास दिया जाए, वो भी सरकार की ही जनता है, वो समाज के अंतिम वर्ग के लोग हैं, नगर निगम में काम करते हैं, स्वच्छ रखते हैं आसपास के जगहों को, लेकिन उन्हीं के रहने के लिए छत नहीं है, उन्हीं को खाने के लिए बेहतर खाना नहीं है, उन्हीं को राशन कार्ड नहीं है, उन्हीं के लिए कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं है। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? जरा सा ये बयान आप सुनिए। आज दिनांक 29/5/2022 को अभी हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अखिल भारतीय लोक विकास मंच के नेतृत्व में समाज के सबसे कमजोर तबका के लोग हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संतान हैं और हम लोग यारपुर अम्बेडकर कॉलोनी राज मेडिकल हॉल अब नगर निगम गढ़ीखाना के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग जितने भी अभी यहाँ पर हैं, हम लोग समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं और नगर निगम में झाड़ू मारने का काम करते हैं। हम लोग जो झाड़ू मारते हैं, समाज को सफाई करके देते हैं और तब जा कर के उसी सफाई में सरकार, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग सांस लेते हैं, स्वच्छ वातावरण में जीते हैं और समाज के सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं। हम लोगों को सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दिया है, न रहने को घर है, न राशन कार्ड है, न पीने को पानी है। ये जो सामने मकान है इंदिरा आवास, ये जर्जर अवस्था में है, कखनी फंस जाएगा, गिर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सामने झोपड़ियाँ हैं, दो दो बार झोपड़ियाँ को प्रशासन ने ढा दिया, फिर भी हम लोग मजबूर होकर के, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, हम लोग मजबूर हैं और मजबूर होकर के फिर यहीं पर बनाए। हम अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को घर तभी तोड़ा जाए जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग को मकान दिया जाए। क्या मांग करेंगे खाने के लिए? हम लोग गरीब हम भी है, रोड पर रह रहे हैं, रोड पर रहते घर टूट रहा है, कहाँ जाएं बाल बच्चा के लिए? रोड पर लेके बेटी को हम लोग रहे रोड पर, बताइए कहाँ जाएं हम लोग? आप लोग हम लोग को व्यवस्था दीजिए, कहूँ के जगह दीजिए रहने के लिए, तब ना हम लोग के भगाइएगा जी। हम लोग कहाँ जाए बताइए आप ही लोग, सब दिन हम लोग रह गए यहीं। जो वंचित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों के मूल विकास का मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बात कह गए थे, आज हमारे समाज कोसों दूर है विकास से। विकास से दूर इसलिए है कि आज इनका सामाजिक काम नहीं है, शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा से भी बहुत दूर हैं ये लोग, सामाजिक ज्ञान भी से भी वंचित हैं। और हम इस बैनर तले राज्य सरकार, हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे स्लम बस्तियों में जा जाकर अपने पार्टी स्तर से मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर घर घर लोगों की दशा और दिशा पर चर्चा करें, लोगों से करवाएं। और सरकार में जो वर्तमान में अभी क्षेत्रीय विधायक हो या पार्षद हो, उनको कहें कि वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर जो समाज जो सबसे अंतिम पौधान पे खड़े हैं, चारों स्तर से नीचे दवा कुचला फैक्ट्री समाज के लोग हैं,
ज़्यादातर के डोम समाज के लोग, वो लोगों में आज भी शिक्षा का अभाव है और विभागीय जो रोजी रोजगार होना चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। मैं इस वार्ड में देख रहा हूँ कि हर घर नल का जल भी नहीं है, पानी से भी लोग वंचित हैं और इस महंगाई कमरतोड़ महंगाई में ये लोग कैसे जी खा रहे हैं। अब तो ईश्वर ही मालिक है और हम लोग हमेशा भारतीय डोम विकास मंच के बैनर तले सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते रहते हैं। तो ये बयान आपने सुना, कई मांगे हैं इनकी, अपनी बातों को उन्होंने मीडिया कर्मियों के द्वारा सब सामने रखा है और ऐसे में उनकी मांग है बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के सरकार से, कि कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही इस पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे में समाज के अंतिम वर्ग, अंतिम पायदान के लोगों तक जो दावे करती है सरकार, जो दावे करते हैं सीएम, वो दावों पर वो खड़ा उतरे, उस दावे पर सरकार खरा उतरे, ये उनकी मांग है। नहीं तो वो आगे और उग्र आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी मांग को किस तरीके से सुनती है और इनकी मांगों को लेकर कितनी जल्दी पूरा करती है, इनके समस्या का समाधान आखिर कब करती है। धन्यवाद।